हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंबिका सुपर किचन की होस्ट और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपी जो कि बिल्कुल 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमें चाहिए चॉकलेट सॉस 4 छोटे चम्मच, दूध आधा कप और शक्कर चाहिए हमें 4 छोटे चम्मच। तो सबसे पहले हम दूध में शक्कर मिलाएंगे और शक्कर मिलाने के बाद अब हम उसमें मिलाएंगे चॉकलेट सॉस 2 छोटे चम्मच के करीब। अगर आपके पास चॉकलेट सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। इसे एक बार आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक बाउल में लेंगे 1 बड़ा कप के करीब नॉन डेरी विप क्रीम। इसे हम बीटर की हेल्प से विप कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए आपको लो स्पीड पे इसे विप करना है और फिर 3 मिनट के लिए आपको इसको हाई स्पीड पे विप करना है। तो इस तरीके की जब लाइंस फॉर्म होने लगे, मतलब जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से विप हो चुकी है, जो है क्रीम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सॉस। तो यहाँ पर मैं 2 छोटे चम्मच के करीब चॉकलेट सॉस इसमें मिला रही हूँ और चॉकलेट सॉस ऐड करने के बाद इसे हम कट एंड फोल्ड टेक्निक की हेल्प से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारी क्रीम है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने ली है 5 ब्रेड स्लाइसेस। इसे हम सीजर की हेल्प से इसके जो ब्राउन पार्ट्स हैं वो रिमूव कर देंगे। अगर आप चाहें तो नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। और जो इसके ब्राउन पार्ट्स हैं उसे आपको फेंकना नहीं है, इन्हें आप क्रम्स बनाकर या फिर डायरेक्टली भी इसे सेक के आराम से इसे आप खा सकते हैं। क्रम्स बना के आप इसे कबाब में या फिर पकौड़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रे पे अब एक थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे ताकि हम एक बेस बना सकें हमारी पेस्ट्री का। इसके ऊपर हम रखेंगे ब्रेड स्लाइस को, अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। ये देखिए, अब जो है हमने जो चॉकलेट मिल्क और शुगर का जो सिरप बनाया था उसको हम इसके ऊपर धीरे धीरे अप्लाई कर देंगे। आपको इतना अप्लाई करना है ताकि जो आपकी पूरी ब्रेड स्लाइस है वो अच्छे से कवर हो जाए और फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे जो हमने क्रीम व्हिप करी थी उसे। तो इस तरीके से आप स्पून की हेल्प से या फिर स्पैटुला की हेल्प से इसे इस तरीके से आप स्प्रेड कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है फॉर 5 ब्रेड स्लाइसेस, देखिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो एक ही सिमेट्री में आप इसको रखें, अगर आप इधर उधर रखेंगे तो बाद में गिर भी सकती है और इसका शेप भी थोड़ा अजीब सा आएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि एक के ऊपर एक ही आप ब्रेड स्लाइसेस अच्छे से लगाएं और स्पैटुला की हेल्प से फिर हर ब्रेड स्लाइसेस के बाद आप इसमें सिरप डाल के क्रीम लगा के फिर कवर करते हुए जाएं। तो इस तरीके से देखिए पूरा कवर कर चुकी हूँ मैं। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस से इसे हमें अच्छे तरीके से कवर करना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद जो है हम इसे 2 इक्वल हाफ्स में काट लेंगे और एक सर्विंग प्लेट में हम इसे अब निकाल लेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा और चॉकलेट सॉस डालेंगे ऊपर से और उसके बाद हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। जैसा आपको पसंद है वैसा आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार नूसल की हेल्प से फ्लावर्स बनाए हैं, उसके ऊपर चॉकलेट रोल्स रखे हैं और अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी चॉको चिप्स से। तो देखिए जो हमारी पेस्ट्री है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। इसे मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं बनने में और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको कल भी जल्दबाजी में कुछ बनाना हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।